मेदांता हॉस्पिटल लगातार चिकित्सा क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कुछ ऐसे भी कारनामे मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने करके दिखाए हैं जो अन्य हॉस्पिटलों के लिए किसी भी तरह से संभव नहीं थे। अभी कुछ समय पूर्व ही एक 3 माह की बच्ची जो गंभीर किडनी रोग और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी से ग्रसित थी, उसको सफलतापूर्वक ठीक करके दिखाया है मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आकाश पंडिता हैं, जो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में न्यूनोटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर के डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अगर इस केस की बात करें तो 3 महीने की बच्ची थी, क्या समस्या थी उसको? एक्चुअली ये बच्चा हमारे पास बिहार से आया था। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसको इन्फेक्शन हुआ था और हमारे पास इसलिए रेफर किया गया था बिहार से कि ये बच्चा पेशाब पास नहीं कर रहा था। कभी भी बच्चा, छोटा बच्चा, स्पेशली नवजात शिशु, अगर 8 से 10 घंटे पेशाब नहीं करता तो वो एक गंभीर बीमारी के लक्षण होता है। ये बच्चा ना तो पेशाब पास कर रहा था, पेशाब के नाम पे 2-3 खून की बूंदी पास कर रहा था। तो जब ये हमारे पास आया, ये बच्चा काफ़ी सिक था, इसको हमने वेंटिलेटर पे डाला, जो उसकी क्रिएटिनिन जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली नवजात शिशु का वो 0.8 से कम होना चाहिए, इनका 5 था। तो उसके लिए हमने, इतने छोटे बच्चे में हीमोडायलिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, तो एक और इसी का एक ऑल्टरनेटिव है, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इस बच्चे को हमने रिपीटेड पेरिटोनियल डायलिसिस सेशंस पे रखा एंड धीरे धीरे करके इसको कम से कम 10-12 सेशन पेरिटोनियल डायलिसिस के लगे और इसका जो पेशाब है, यूरिन आउटपुट है, वो बढ़ने लगा। फिर बच्चा अपने आप से पेशाब पास करने लगा। इसको हमने धीरे उसके लिए हमने काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स उसको दिए एंड धीरे ये बच्चा वेंटिलेटर से बाहर आ गया और आज वो बिना किसी वेंटिलेटर के, जो उसको मेडिकेशन चाहिए थे ओरल मेडिकेशन पे, स्टेबल है। हम वेट कर रहे हैं कि ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, एटलीस्ट 10 के आसपास हो जाए, तो फ्यूचर में इसकी किडनियाँ भी बदल सकते हैं। सर, इसको ब्रेन हैमरेज की भी शिकायत थी उस बच्ची को, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया गया? बेसिकली जब भी कोई बच्चे को इन्फेक्शन होता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है कि ब्लीडिंग होना। खासकर नवजात शिशु में जो ब्लीडिंग होती है वो या तो ब्रेन में होती है या तो उनकी आंत में होती है। इस बच्चे के ब्रेन में ब्लीडिंग थी, उसके लिए बच्चे को दौरे आए, तो हमने दौरों के लिए, दोरों की दवाइयाँ दी। हमारे पास यहाँ ब्रेन रोग विशेषज्ञ, खास करके जो बच्चों के लिए है, उसके लिए हमने इनका EEG करवाया, उनको डायग्नोज करा के उनके लिए इनको दवाइयों पे रखा, 2-3 दवाइयों पे। जब ये इनके दौरे रुक गए तो धीरे धीरे उन दवाओं को टेपर करके इनको एक दवाई पे लेके आए। अभी उनके सीजर बिल्कुल कंट्रोल्ड है एंड उनके डेवलपमेंट के लिए हमारा, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे पास ऐसे बच्चों के लिए खासकर एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ की बच्चों के विशेषज्ञ, स्पेशली फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, इन बच्चों पे काम करते हैं। सो दैट ना सिर्फ ये बच्चे बचे बल्कि आने वाले समय में ये शारीरिक रूप से एज वेल एज दिमागी रूप से बिल्कुल आप मेरे जैसे लाइफ लीड करें। सर, अगर इस बच्ची की बात करें तो 2 गंभीर बीमारियां एक साथ थी, किडनी रोग भी था उसको और ब्रेन हैमरेज की भी समस्या थी, तो दोनों को एक साथ ट्रीट करने में कितनी कठिनाई लगी और क्या कॉम्प्लिकेशंस आए उसमें? जैसा कि आपने बताया, ये बच्चा हमारे पास 12 दिन आया था, कोई 2-2.5 महीने हमारे पास ये एडमिट रहा। बीच में इनको और सारी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई, बट अगेन एक ICU में एक टीम वर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टीम मेंबर, सिस्टर्स, डॉक्टर्स दिन रात इस बच्चे पे लगे रहे, माता पिता का विश्वास हम पे बना रहा और धीरे धीरे हमने इनको कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकाला। आज भाई बच्चा 8 महीने 9 महीने का जब OPD में हम देखते हैं तो वो मेहनत जो हमने इस बच्चे पे की है तो वो बहुत खुशी देती है। सर, अगर बात करें तो ये बिहार से आए थे जैसा कि आपने बताया, तो लखनऊ की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार से भी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की ओर रुख कर रहे हैं, इसको कितनी बड़ी सफलता मानते हैं मेदांता हॉस्पिटल की? देखिए, पिछले 3 साल में हमने कम से कम 2-2.5 हज़ार नवजात शिशु या 6 महीने से कम बच्चे यहाँ से ठीक किए हैं और जो भी पेशेंट यहाँ से जाता है वो खुश होके जाता है, बिकॉज जैसा आपको हमने बताया है कि हमारा जो सर्वाइवल है, मतलब 100 में से 99 ऊपर बच्चे बचते हैं, तो उनके लिए, उनके फैमिली में, उनके डॉक्टर्स, पूरे क्षेत्र में उनको पता है कि अगर कोई भी जटिल बीमारी है और बेस्ट इलाज के लिए हमें अब बाकी स्टेट्स में नहीं जाना है। लखनऊ, बाकी UP के क्षेत्र, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, सबसे बच्चे तो आते हैं लेकिन अब बाकी स्टेट से भी आने लगे हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, इनफैक्ट काफ़ी बार हमारे पास दिल्ली से भी बच्चे आए हैं, जैसा कि इस बच्चे के बारे में। बिहार से तो रेगुलरली, क्योंकि वहाँ से हमने ऑलरेडी 4-5 गंभीर बच्चे ठीक करके गए हैं, तो वो जिस क्षेत्र में उसे भी आते हैं तो वही फिर अपने आसपास, आस पड़ोस में जितने भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनको भेजते हैं कि आप जाइए वहाँ लखनऊ में, आपको हर कोई स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे कहते हैं, इस मतलब जो बेस्ट पॉसिबल किसी भी
नवजात शिशु के लिए पॉसिबल है वो ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा आपको कहीं और दूर जाने के लिए। ये हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम एक छत के अंदर राइट फ्रॉम पहले दिन से लेके पहले 100 दिन वाला जो बच्चा है उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मिले, चाहे उसमें जेनेटिक की प्रॉब्लम हो, उसको नली सर्जरी की प्रॉब्लम हो, हार्ट सर्जरी की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो हम NICU में उसको ठीक कर सकते हैं। सर अगर बच्चों से संबंधित गंभीर बीमारियों की बात करें तो इलाज तो कई जगह उपलब्ध होता है लेकिन पोस्ट ट्रीटमेंट एक्सपर्टीज उन हॉस्पिटल्स के पास नहीं होती, तो उसके लिए मेदांता हॉस्पिटल में क्या खास है? मेदांता हॉस्पिटल के पास एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है, जैसे कि अडल्ट्स में आपको किडनी के अलग डॉक्टर मिलते हैं, ब्रेन के अलग डॉक्टर मिलते हैं, वैसे ही बच्चों में भी अब सुपर स्पेशलिटी इतनी ग्रो की गई है, हर क्षेत्र का एक विशेषज्ञ एक छत के अवेलेबल है। ऐसा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर UP में क्या पूरे इंडिया में कुछ ही जगहों पर अवेलेबल है, एंड मुझे खुशी है कि मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ। जी सर, चाइल्ड केयर सेंटर के बारे में आपने बताया, उसका क्या वर्क है, वो किस तरह से बच्चों के लिए विशेष काम करता है, उसके विषय में बता दीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर हमारी कोशिश रही है, जैसा आपने कहा कि बच्चों को सिर्फ जिंदा रखना जरूरी नहीं है, उनको जिंदा रखना भी है प्लस उनके ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि जितने भी सिक बच्चे आते हैं वो काफ़ी देर वेंटिलेटर पर रहते हैं, उनको ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, बाकी अन्य समस्याएं होती हैं, अगर इन समस्याओं को सही फॉलोअप में नहीं रखा गया, ऑल दो आपने बच्चे की जान बचाई लेकिन वो बच्चा आगे अपंग हो सकता है, अंधा हो सकता है, कान उसको बहरा हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना होता है उन बच्चों को, हाई रिस्क बच्चों को फॉलोअप में रखना है, ताकि अगर उनको कोई समस्या है चलने में, फिरने में, देखने में, सुनने में, तो वो टाइम रहते डिटेक्ट हो और उनका टाइम रहते इलाज हो, ताकि वो सोसाइटी पे, अपनी फैमिली पे एक बोझ ना बने। सबसे पहले तो उसकी ज़िंदगी कारगर रहे, सफल रहे, वो आपकी और मेरी तरह एक कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को, इंडिया को कंट्रीब्यूट करे और उनके माता पिता खुश रहे। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय से बच्चों का इलाज कर रहे हैं, तो बच्चों की हंसी तो सबका मन मोह लेती है और जब बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो उनके माता पिता भी काफी दुखी होते हैं, लेकिन जब आप सफल इलाज करते हैं तो उन बच्चों की हंसी और उनके माता पिता की हंसी को देखकर कितनी खुशी होती है आपको? बेसिकली इस प्रोफेशन में जो सबसे बड़ी हमारी पूंजी होती है, या आप वेतन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो वही स्माइल होती है। जब कोई भी माँ बाप आता है वो सिर्फ बच्चा बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली बीमार होती है, क्योंकि बच्चे के साथ स्पेशली जो अभी जन्म है उसके साथ पूरे फैमिली की इमोशंस होती है। ऑल दो बच्चा फिजिकली सफ़र कर रहा होता है लेकिन उसके माता पिता, घर वाले मेंटली सफ़र कर रहे होते हैं, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि अंदर बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, जितना ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट पे टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही हम पेशेंट्स को काउंसलिंग में टाइम स्पेंड करते हैं। ये मेक इट अ पॉइंट कि माता पिता को बिठाया जाए, उनको पेशेंट के बारे में दिन एवरी डे उनको उस बच्चे के बारे में जानकारी हो कि क्या बीमारी है, क्या इलाज चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या रिकवरी है, हर दिन हम उनको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कोशिश करते हैं कि उनको देने के लिए, ताकि वो शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल स्टेबल रहे और उनको अपने बच्चे की खुशियाँ मिले। उसी खुशी को बनाए रखने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमें खुशी होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम उन पर खड़े उतरे। थैंक यू सर। तो हमने बात करी डॉक्टर आकाश पंडिता से, जो मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में न्यूरोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि 3 माह की बच्ची जो गंभीर किडनी रोग और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या से जूझ रही थी, वो बिहार से लखनऊ आए थे और मेदांता हॉस्पिटल में उसका इलाज चला, दोनों समस्याओं को सफलतापूर्वक निराकरण किया गया और अब बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। लगातार वो उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं, अब बच्ची को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। इसके साथ साथ डॉक्टर आकाश पंडिता ने कहा कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो वो अकेले बीमार नहीं होता, उसका पूरा परिवार बीमार होता है, सबका मन दुखी होता है, लेकिन जब हम उसको सफलतापूर्वक इलाज करके ठीक करते हैं तो उनके परिवार की खुशी है हमारे लिए असली पूंजी है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV लखनऊ।